तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में अगर अभ्यर्थी बीएड कैंडिडेट हैं तो आपके लिए अपडेट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर बीएड कैंडिडेट के लिए अभी हाल ही में 28 जून 2028 का जो नोटिफिकेशन था वो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। और इसके सापेक्ष यहाँ पर जो एनसीटी से अब यहाँ पर सरकार द्वारा बताया गया है कि जो यहाँ पर आपका अभ्यर्थी की गुहार लगाई गई, जिसमें एमएचआरडी से कहा गया है कि इसका एक जो है नोटिफिकेशन रिलीज़ करें, ताकि यहाँ पर पुनर्बहाल करें शिक्षकों को प्राइमरी लेवल में जो बीएड कैंडिडेट बाहर हुए हैं। और इसमें कई लोगों का अभी रिजल्ट आना बाकी है, जिसमें जैसे KBS, NBS, PR, इसमें या जो अन्य चीज़ें हैं जिसमें हैं, ठीक है, जिसमें PRD अवेलेबल होता है, जिन प्राइमरी में भरते हैं जैसे कि आपके स्टेट वालों में, तो ऐसे में कैंडिडेट बीएड वाले बाहर हो सकते हैं अब। और वहीं उत्तराखंड के अभ्यर्थी भी यहाँ पर जो है काफ़ी असमंजस महसूस कर रहे हैं कि यहाँ पर कई जिनकी नौकरी लग भी चुकी है क्या वो बाहर जाकर इन लोग कमेंट कर रहे हैं। हालांकि इस तरह का कोई अपडेट नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्राइमरी में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है आप लोग को पता ही है, तो उसके रिगार्डिंग जो है अब जो एनसीटी से है उसका यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय से ने जो एनसीटी के राजपत्र को असंवैधानिक दरकरार दे दिया है राजस्थान हाई कोर्ट के 25 नवंबर 2021 के निर्णय को मान्य करते हुए, यानी कि एनसीटी की जो गजेटेड था आपका एनसीटी द्वारा मान्यता वो उस पर खड़े सवाल करते हैं। और इसी के रिगार्डिंग जो है अब सुप्रीम कोर्ट में जो है उक्त फैसले से अब जो है देश भर के जो सभी करोड़ों बेरोजगार हैं उनको यहाँ पर आहत पहुँची है। तो इसी वजह से अब यहाँ पर पुनर्बहाल करने की बात कही है, ताकि यहाँ सरकार से एक निवेदन किया है MHRD से, तो बीएड धारकों को उज्जवल भविष्य के लिए यहाँ पर अध्यादेश लाएँ और हमारे भविष्य को जो है अंधकार में जो है जाने से बचाएं कहा है। तो अध्यादेश लाने की बात कही, अगर अध्यादेश लाते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाएगा। अगर अध्यादेश नहीं लाते हैं तो डेफिनेटली जो है सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है अन्य राज्यों में भी धीरे धीरे वो लागू हो सकता है और अन्य राज्यों में भी खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि अभी तो सिर्फ कोर्ट केस आया है राजस्थान के लिए, लेकिन ये जो नोटिफिकेशन है इन्होंने 2018 वाला पूरा का पूरा रद्द कर दिया है, ठीक है, स्पेशली पूरा नोटिफिकेशन रद्द कर दिया है। इसका मतलब सभी राज्यों के लिए मान्य होगा, तो धीरे धीरे अगर और केस करने लगेंगे तो अन्य राज्यों के भी दिक्कतें हो सकती हैं, तो इस वजह से यहाँ पर आपका रद्द ना हो इसलिए यहाँ पर अध्यादेश लाने की बात कही कि जिसका यहाँ पर देख सकते हैं बेरोजगारों ने यहाँ पर गुहार लगा रखी है MHRD।